Welcome back, guys. I am Dr.Shiv, and today's topic is how to stay motivated during your tough time. So, guys, आज हम ऐसे मुद्दे में डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए जब मतलब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम जनरली मोटिवेटेड ही रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम अगर हमारे पास सारी चीज़ें स्मूथली जा रही हैं तो कोई भी व्यक्ति उस मोमेंट में मोटिवेटेड होता है। आज हम ऐसे टॉपिक में बात करने जाने वाले हैं कर रहे हैं जो आपकी विषम परिस्थितियां, जो टफ कंडीशन कहते हैं, उस कंडीशन में हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सो गाइज, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द टफ टाइम। लेट्स बिगिन। सो आज मैं कैसे करने वाला हूँ कि पहले हम डिस्कस करेंगे टफ टाइम है क्या एक्चुअली, एंड देन मैं आज चार टॉपिक लिया हूँ जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में और बहुत से ऐसे लोगों जो सक्सेसफुल लोग हैं तो स्टडी करने के बाद देखा गया कि वो कैसे टफ टाइम में मोटिवेटेड रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज टफ टाइम? टफ टाइम आप किसे कहते हैं? टफ टाइम वो होता है जब ये टफ टाइम में टफ सिचुएशन क्या होती है लाइफ में। सपोज जैसे कि हम किसी फेज में है लाइफ में और हमें उस फेज में लाइफ में जीने में बहुत तकलीफें आ रही हैं, तो वो कहते हैं हम नॉर्मली कि वो टफ टाइम हमारे लिए चल रहा है, टफ सिचुएशन है, टफ कंडीशन है हमारे लिए। तो ये कैसे होती है? जैसे सपोज कोई भी व्यक्ति है, जैसे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो उसके लिए फाइनेंशियल टफ टाइम है, टफ कंडीशन है उसकी लाइफ को मैनेज करने में। दूसरी कंडीशन, हर एक व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट टफ कंडीशंस हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन जैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम टाइम एक टफ कंडीशन होती है कि वो कैसे क्लियर करें एग्ज़ाम, कैसे अपने आप को प्रूफ करें। और डिफरेंट कंडीशन, सपोज कोई ऐसा है जिसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन के लिए वो उसका टफ टाइम है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है? क्योंकि आप ऐसा तो कह नहीं सकते, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि वो लाइफ लॉन्ग खुश रह ले या उसके लाइफ में कोई टफ सिचुएशन या बैड टाइम्स आएंगे ही नहीं। इट्स नॉट नॉर्मल। सबके लाइफ में ऐसा होता है, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी कोई बुरे दिन होते हैं। तो अच्छे दिन में तो सब अच्छा बैलेंस कर लेते हैं, अच्छा रह लेते हैं, खुश रहते हैं, बट टफ सिचुएशन में कैसे अच्छा रहना है वो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग आवर टफ। पॉइंट नंबर वन इज डू द मैक्सिमम वर्क विच कैन हेल्प टू सॉल्व योर टफ टाइम। लाइक मतलब ये है कि आप जो भी सिचुएशन आपकी टफ सिचुएशन जो भी उस पर्टिकुलर फेज में है, तो आप मैक्सिमम वो काम करें जिसके कारण वो आपका टफ टाइम सॉल्व हो। जैसे कोई भी व्यक्ति पर्टिकुलर फेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उस मोमेंट में ऐसे काम करिए जिससे आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़े। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सोर्स क्रिएट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, खर्च कम कर देने चाहिए इस मोमेंट में। तो जनरल सी बात है, जब आपके खर्च कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, तो आप उस सिचुएशन से डील कर लेंगे। अब जैसे ही वो सिचुएशन जाएगी आप अगेन मोटिवेटेड हो जाओगे। सो आपको कोई भी, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, सपोज एजुकेशन एग्ज़ाम टाइम है, अब एग्ज़ाम टाइम मैं क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरे लिए वो बैड फेज होता है जब जैसे एग्ज़ाम मोमेंट चल रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ पर्टिकुलर उस मोमेंट में, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और बहुत कुछ दिमाग में चलता है। मैं क्या करता हूँ उस मोमेंट में, सब कुछ छोड़ के जितना भी टाइम होता है मेरे पास, मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, पढ़ाई में लगाता हूँ। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ज़्यादा मैं उस टफ टाइम को सॉल्व करते जाता हूँ। तो मैं अपने आप को जितना पढ़ता हूँ उतना मोटिवेटेड फील करता हूँ। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ और काम करने लगूँ तो मैं मोटिवेटेड हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड इशूज़ हैं, उसका टफ टाइम चल रहा है सपोज,
तो वो जितना अच्छा क्लिनिकल ट्रीटमेंट लेगा, जितने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से वो मिलेगा, और उसकी जैसे जैसे हेल्थ अच्छी होती जाएगी, वो सीधी सी बात है जैसे वो ठीक होने लगेगा तो वो मोटिवेट होने लगेगा अपने आप की, नहीं नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, इट्स ओके. सो पॉइंट नंबर वन इज डू द मैक्सिमम वर्क विच कैन सॉल्व योर टफ टाइम एट अ पर्टिकुलर फेज. सो पॉइंट नंबर टू क्या है कि फॉलो द नेचर्स लॉ, जस्ट ऑब्जर्व योर नेचर. मैं इस पॉइंट में हर एक वीडियोस में मैंने लगभग कहीं ना कहीं ये बात कही है कि नेचर को हमेशा आप ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आप भी नेचर का पार्ट हो, मैं भी नेचर का पार्ट हूँ, और ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको ये सब नेचर का पार्ट है. तो आप कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फेज में जाके पहुँच के नेचर को तो समझना ही है, तो आप नेचर को समझने की कोशिश करिए. मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि टफ टाइम में नेचर जो हमारा ये इन्वायरमेंट है वो कैसे डील करता है. तो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे प्लांट होता है उसमें लीव्स होती हैं, तो विंटर के ड्यूरेशन में क्या होता है, आपने कभी फोकस किया कि पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, प्लांट के लिए अपना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना इस विंटर क्या हो गया, टफ टाइम हो गया, तो वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि लीव्स क्या होती हैं, बहुत पतली होती हैं, उनमें जैसे ही फ्लूड पहुँचा वो क्या होता है, ठंडी के कारण फ्रीज होने लगती हैं, तो प्लांट को मैक्सिमम एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वो इतना कर नहीं पा रहा, इसलिए वो पत्तियां गिरा रहा है. तो टफ टाइम में क्या कर रहा है प्लांट, पत्तियां गिरा रहा है. वैसे जब हम समझें कि हमारे लिए टफ टाइम है, तो हमें क्या कम करके अपने आप को उस पर्टिकुलर मोमेंट में बचाना है. जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने खर्च को कंट्रोल करना चाहिए, हमें खर्च से बचने चाहिए. जितना हम कम खर्च करेंगे, जितना हम आय बढ़ाएंगे, उतना हम इन चीज़ों से सेफ हो जाएंगे. इसी नेचर के अकॉर्डिंग मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पोलर रीजन में, जैसे मैं बीजिंग में हूँ, तो यहाँ क्या होती है कि विंटर्स में नदियाँ फ्रीज हो जाती हैं एकदम से, नदी बर्फ से जम जाती है एकदम से. तो क्या इस पर्टिकुलर फेज में, विंटर वेकेशन में, क्या मछलियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्या मछलियों का लाइफ ख़त्म हो गई, उनके लिए तो टफ सिचुएशन है. तो नेचर क्या करता है कि वो जस्ट एक लेयर बनती है नदी के ऊपर, लेकिन नीचे तो पूरा इन्वायरमेंट उसी तरह चलता है, मछलियाँ जिंदा रहती हैं, फिर गर्मी में वो सब नॉर्मल हो जाता है, मछलियाँ प्रॉपर वही जो है चलने लगता है. तो उस पर्टिकुलर टफ टाइम में मछलियाँ का क्या करती हैं, अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेती हैं, कम वर्क करती हैं, या एकदम नीचे चली जाती हैं जहाँ गर्मी है. तो ये नेचर भी तो कर रहा है टफ टाइम में, अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं. जब तक मोटिवेट नहीं रखेंगे तो हम जिएंगे कैसे. तो पॉइंट नंबर टू में आपको यही फोकस करना है कि आप मैक्सिमम नेचर से समझें, आप भी नेचर का पार्ट है, आप कहीं अलग से नहीं है, मैं कहीं अलग से नहीं हूँ. तो हमें नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है. तो जब आप नेचर को समझोगे कि देखो नेचर कैसा कर रहा है, हमें भी टफ टाइम को क्रॉस करने के लिए या वहां से हटने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा. तो ये रहा पॉइंट नंबर टू, जस्ट ऑब्जर्व द नेचर. पॉइंट नंबर थ्री, डोंट साई इन टफ टाइम. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका टफ टाइम चल रहा हो तो आप शर्म को थोड़े देर के लिए भूल जाओ, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो एक साइड रख दो, क्योंकि आप पहले से टफ टाइम में पहुंच चुके हो. अगर आप शर्म करोगे या अपनी अकड़ बनाए रखोगे, आप ऑलरेडी परेशान हो और आपके अंदर ये भाव हैं कि मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो ऐसे में कभी आपका टफ टाइम जा नहीं सकता. सपोज आप जैसे आप स्टडी रिलेटेड समझिए, एग्ज़ाम चल रहा है, आप अपने फ्रेंड से अगर स्टडी रिलेटेड चीज़ें मांगने में शर्मा रहे हो, तो क्या आप जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम है आप उनसे अच्छे से डील कर पाओगे. आप खुद ही परेशान, सपोज आपने पढ़ा ही नहीं, अब लास्ट में तो इम्पोर्टेंट थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं लोगे तो कैसे कॉप अप करोगे. तो पॉइंट नंबर थ्री में यही था कि आप क्या करिए कि टफ टाइम में अपने शर्म, अपने ईगो, अपने अहंकार को काबू में रखिए, ग्राउंडेड होकर काम करिए. जब तक आप अच्छे लेवल तक नहीं आ पाते, आप जब तक उस टफ टाइम पीरियड को ओवरकम नहीं करते, वैसे कभी नहीं रखना चाहिए चीज़ें, बट तब भी इस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको इन सब चीज़ों से ओवरकम होना ही है. गाइस पॉइंट नंबर फोर, ड्यूरिंग टफ टाइम हमें क्या करना चाहिए कि हमें ना, हम जैसे बोलते हैं ज़्यादातर, तो हमारी टफ सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सुननी चाहिए,
बोलने से अच्छा है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों से मिलें, उनकी एडवाइस सुने, उनसे समझें कि वो हमें क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि हम ऑलरेडी टफ टाइम में हैं, हम हेल्थ, फाइनेंशियल या एनीथिंग, आप किसी भी फेज में हो सकते हो, मैं अपने फेज की बात कर रहा हूँ, आप जिस भी फेज में, अब उस पर्टिकुलर टाइम में आप बहस करने में लगे हो, आप खुद ही परेशान हो और बहस कर रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, अपनी अपनी बोल रहे हो, नहीं मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, ये जो वर्ड्स होते हैं, मैं समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरे साथ हो ही रहा है ये वो, तो सामने वाला कैसे सोचेगा, अरे यार ये खुद ही अपने आप को इतना होशियार समझ रहा है तो मैं क्या बोलूँ। जबकि आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या करना है कि लोगों की एडवाइस सुनना है और उसे अच्छे सोचना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फेज में, क्यों मैं इस दलदल में फंस गया, मैं क्यों इस टफ फेज में पहुंच रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। आप रुक के इस चीज को अच्छे समझो कि जब भी आपका टफ टाइम है तो आप ज्यादा से ज्यादा सुनो उस एडवाइस, लोगों की इग्नोर करने से अच्छा उस पर्टिकुलर फेज में सुनो, क्योंकि अच्छी, जब आपका अच्छा है सब कुछ, आप टफ फेज में नहीं हो तो आप खुद ही इतना अच्छा सोच पा रहे हो, तो अच्छा ही सोच के ना अच्छे कंडीशन में पहुंचे, जब बुरा सोचने लगे, आपकी सोच गलत होने लगी, तब आप वो टफ कंडीशन में पहुंचते हो। तो उस कंडीशन में आपको जाके ये सोचना है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो रही है, मुझे ये जो लोग बोल रहे हैं इनको थोड़ा सुनना चाहिए। तो गाइज आज का मुद्दा यही था कि हमें मोटिवेटेड रहना है अपने टफ टाइम में, और मैंने ये चार पॉइंट बोले कि जब आप टफ सिचुएशन में हो तो मैक्सिमम वो काम करो जो आपके वो बैड टाइम्स को क्लियर करने में हेल्प करे, नेचर के लॉ को फॉलो करो, जो नेचर है उससे हटके मत काम करो, उसको समझने की कोशिश करो। मैंने एग्जांपल लिए, प्लांट में पत्तियां कैसे गिरती हैं, मछलियां कैसे बर्फ वाली नदी में रह लेती हैं, ये नेचर से ही मैं देख के बोल रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये था कि आप जब टफ टाइम में हो तो शर्म, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड थोड़ा नीचे रखो। और फोर्थ पॉइंट में ये था कि डोंट स्पीक टू मच एट योर टफ टाइम, जस्ट लिसन द एडवाइस ऑफ द पीपल एंड डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, लाइक आप क्या गलत कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम में, आप उस एडवाइस से अपने आप को जज। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी गाइस। आज का मुद्दा यही था कि टफ कंडीशन में हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करके और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।